नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PGIMER की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपकी 20 अगस्त से स्टार्ट है BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए। तो आपका रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया गया है और आपने आई होप जो भी बच्चे क्वालिफाइंग स्कोर उन्होंने क्रॉस किया है तो उसके अबाउट जो डेट थी आपकी तो वो 13 अगस्त तक की थी, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट है वो फिजिकली या जो मेल ID दे रखी है उन पर सबमिट करवा दिए होंगे, तो वो 20 तारीख को जो काउंसलिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब उसमें आपको आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आगे किस तरीके से आगे फर्दर प्रोसेस रहेगी, तो आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आपकी 20 तारीख को फिजिकली उपस्थित होके आपको अपनी जो काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट करनी है। इसके रिगार्डिंग जिन जिन बच्चों के जो ये स्कोर क्रॉस किया है इनके अबाउ जिनके स्कोर है परसेंटाइल पे तो उन्होंने अपनी जो फर्दर प्रोसेस है उसको 13 तारीख तक जो अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने थे वो सभी ने सेंड कर दिए होंगे, या आपने जो ईमेल ID है या फिजिकल उपस्थित होके, तो आपके ये जो कट ऑफ थी मैंने इसके रिगार्डिंग आपको पहले ही वीडियो बना रखा है। और आपके जो भी डाउट है PGIMER से रिलेटेड उनके मैंने सेपरेट आपको प्लेलिस्ट भी बना रखी हैं, तो अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उन वीडियो के माध्यम से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी कट ऑफ थी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, और बाकी का जैसे काफ़ी सारे बच्चों की ये कि सर सेकेंड और थर्ड राउंड होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी तो मैं उसका वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जैसे कि आपको 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, या पासिंग सर्टिफिकेट है 12th का, और इसके अलावा आपको जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है कि जैसे कि अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने अपने फॉर्म में अपनी कैटेगरी फिल कर रखी है तो आपको अपना जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाने अपने सारे डॉक्यूमेंट और फोटो लेके जानी है आपको। तो ये तो आपको सारे के सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको जो फीस का है वो भी आपको दिया गया है कि आपको फ़ीस कितनी लेके जानी है, और फीस दोस्तों इसमें आपको या तो बैंक ड्राफ्ट से या चेक से आप दो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, या तो अगर आप DD बनवा सकते हैं तो DD बनवा लें या आप चेक ले जा सकते हैं। तो इसमें BSc नर्सिंग के लिए अगर बात करें दोस्तों आपकी, तो आपके BSc नर्सिंग के लिए है इसमें 5,000 रुपये और 1635, तो इसमें दो चेक कटेंगे, और जो पोस्ट बेसिक के लिए है वो 5,000 और 1250, इसमें दो चेक कटेंगे। तो ये आपको फीस लेके जानी है। एड्रेस आप सभी को पता होगा कहाँ पे आपका जो आपका होने वाला है 20 तारीख को, तो ये आपको एड्रेस भी आप देख लीजिए 20 तारीख को बारगांव ऑडिटोरियम PGIMER, तो 10:30 बजे का टाइम दे रखा है, इससे पहले ही आप उपस्थित हो जाए दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो आगे की प्रोसेस है वो जान लेते हैं। और दोस्तों इसमें जो आपका OBC का सर्टिफिकेट है इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपका जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप ये ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो आपको जो आपका रिजर्वेशन का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप नहीं उठा पाएंगे। और नेक्स्ट दोस्तों कि इसमें आपको फिजिकली उपस्थित होना होगा, और उस फिजिकल में दोस्तों आपका एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। अब काफ़ी सारे बच्चों के ये डर रहेगा कि सर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, तो दोस्तों काफ़ी नॉर्मली आपका इंटरव्यू रहेगा, इतना कुछ ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी जो जितनी सीट है उनके 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है इसमें, तो 3 गुना बच्चों का जो इंटरव्यू लेना है वो आपको एक ही दिन में निपटाना है उनको, तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं आपका कुछ, जैसे कि अपने एजुकेशन में आपकी जो आपकी फैमिली के बारे में या ऐसे नॉर्मली आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऐसा इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और आपका वहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये था कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगर आप आम बोलचाल में अगर किसी स्ट्रेंजर से बात भी करते हो तो वो नॉर्मली इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, और कोई ज़्यादा ऐसा टफ आपसे नहीं होने वाला है। और नेक्स्ट अगर दोस्तों इसकी बात करें आपके, मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें आपका जो नॉर्मली इंटरव्यू होगा, और इसमें नेक्स्ट है दोस्तों कि जो कैंडिडेट इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले रहे हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, और तो अगर इसमें सीटें वैकेंट रहती हैं तो आपको सेकेंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग भी कंडक्ट करवाई जाएगी, तो आपको इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों एक और इशू था कि सर हम जैसे इसमें एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद में हम नीट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और नीट के बाद में हमें अगर नीट में MBBS की सीट मिल गई तो क्या हम इसको छोड़ सकते हैं, तो दोस्तों आप छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें आपको जो पेनल्टी अमाउंट है वो 25,000 रुपये आपको इसमें जमा करवानेंगे, और जो भी आपने अपने जो फीस है और हॉस्टल के लिए जो फीस जमा की है वो आपको रिफंड नहीं होंगे, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि आपको 25,000 रुपये पेनल्टी होगी।
और आपको इतना ज़्यादा घबराना नहीं है दोस्तों, वहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस है, वहाँ पे टीचर रहेंगे तो वो आपको टाइम टाइम पर आपको गाइडेंस देते रहेंगे ऑडिटोरियम में, तो इतना पैनिक नहीं होना, बिल्कुल आप अपना खाना वाना खा के जाइए और शांति से जो 20 तारीख की है वो अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट करना है दोस्तों। कोई भी डाउट कोई भी इश्यू तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट हैं, फ़ीस कितनी लेके जानी है, DD या जो चेक से लेके जाना है, तो दोस्तों मैं आपको चेक ही प्रेफर करूँगा कि आप चेक के लेके जाइए जो भी आपके गार्जियंस हैं। और एक बच्चे का ये भी सवाल था कि सर हमें क्या पेरेंट्स को मम्मी पापा दोनों को साथ में लेके जाना है, तो ऐसा कुछ ऐसे मेंशन नहीं करेगा, आप चाहो तो अकेले भी जा सकते हो या किसी गार्जियंस को अपने साथ लेके जा सकते हो, तो ऐसा इतना पैनिक होने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली आपकी ये काउंसलिंग की प्रोसेस होगी और ये आपको अटेंड करनी है। तो दोस्तों ये आपके डाउट थे, आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश हुई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।